दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है कि जब भी मन मन क्या करता है, कोई डॉट को पकड़ लेता है। कोई भी मन में आपको डॉट ला देगा और उस डॉट को पकड़ लेता है, और उस डॉट के वजह से जो है कि आपको तरह तरह का विचार, आपको तरह तरह का गलत फहमी, तरह तरह का निगेटिव विचार जो है प्रस्तुत करते रहता है, जो कि आम आदमी को, मतलब सामने वाले आदमी को किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ आपको अपने माइंड के अंदर वो तस्वीर, वो फिल्म के रूप में चलते रहता है। और सामने वाला व्यक्ति तो कोई भी आपको समझ में नहीं पाएगा, लेकिन आपको जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, जैसे ओसीडी सफर, मानसिक समस्या वाले लोग, तो उनके माइंड में क्या होता है कि ये माइंड के अंदर पिक्चर चल रहा होता है, एक मूवी टाइप में एक फिल्म चल रहा होता है, जिनके वजह से वो परेशान होता है। और किसी किसी को तो ये डाउट अगर पकड़ लेता है तो किसी का सालों भर रह जाता है, किसी का महीनों भर रहता है, किसी का जो है अब वो मानसिक स्ट्रोंगर, जो जितने लोग जो है कि मानसिक स्ट्रोंग होते हैं उनको उतने दिन तक जो है कि वो पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, और इसके वजह से जो है कि आपको, अगर आपको भी इस तरह का समस्या हो रहा है तो आप भी इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए दोस्तों, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जो है कि मतलब क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको जो है कि आपका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइंड क्या करता है ना कि कोई भी चीज को जो है कनेक्ट कर लेता है, डाउट को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या होता है ना, जैसे कि बात कर ले, जैसे अगर बात करें हम भी अपने बारे में बात करें, तो पहले क्या होता था ना कि जैसे स्नान उस्नान का, जैसे कि मतलब स्नान करते थे तो कोई बात, जब हम लोग लास्ट में नहा के निकलते थे तो कोई बात जो मन में कनेक्ट कर लिया कि कुछ दिनों के बाद ये हो जाएगा, आज जा रहे हैं बाहर तो कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो माइंड में कनेक्ट हो गया बात। अब क्या हुआ कि बाद में वो बार बार विचार आते रहता था, लेकिन एक्चुअली में वैसा होता नहीं था रोड पे, काहे कि माइंड में काहे कि ऐसा ऐसा होता था, कहीं जा रहे हैं कुछ मेरे साथ घटना हो जाएगी, ऐसा जो संकेत मन में आ जाता था। और अब जो मन में विचार आ जाता था कि फिर नहाएंगे तब ठीक होगा, इसके वजह से बार बार करते भी थे कंपल्सन। लेकिन जब इस चीज को मैंने समझा कि ऐसे ऐसे होता है, तब जा करके क्या क्या इस सब चीज को, बात को वैल्यू देना कम किए, तब जा करके धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये विचार जो है कि हमारे ऊपर हावी नहीं होने लगा। नहीं तो ये क्या करता होगा कि आपके ऊपर विचार हावी हो जाएगा और दिन भर आपको परेशान करने लगेगा, वहां ये ठाट आ गया था मेरे साथ हो जाएगा, अब मन में वही बार बार फीलिंग आने लगेगा। तो आपको भी कभी कभी हो सकता है कोई विचार मन में घर कर जाए, जिसमें मन में घर कर जाने का मतलब क्या कि तरह तरह एक ही तरह का विचार आपको जो है कि आपको भी लग रहा है कि वो विचार होने वाला नहीं है, लेकिन मन में वही विचार बार 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 खनक रहा है, बार बार जो है कि तरह तरह का उससे रिलेटेड डर दिखा रहा है, फिर उसके वजह से दूसरा कहानियां बनने लगती है माइंड के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं कि आ गया विचार कि मेरे साथ नुकसान हो जाएगा, जैसे फैमिली मेंबर के साथ नुकसान हो जाएगा, नहीं अगर जो है कि हम हाथ फिर से नहीं धोए तो जाकर के मेरे घर वाले या मेरे रिलेशन में कोई है या मेरे करियर के साथ कुछ बुरा, ऐसा ऐसा जो तरह तरह का जो ख्यालियात जो है कि आपको मन में आने लगता है। और किसी किसी को ये भी आने लगता है कि साल भर के बाद कुछ हो जाएगा, तो उस समय दोस्तों क्या करें, जो इससे बाहर कैसे निकले। इससे बाहर निकलने के लिए जो है ना सिंपल सिंपल ट्रिक हम बताते हैं, वो अगर आपने फॉलो किया तो दोस्तों इससे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले जो है कि पहले एक्सेप्ट करना है कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, मानसिक समस्याएं हैं जिसके कारण से हमें ये इस तरह का विचार बार बार परेशान कर रहे हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें बीमारी है, तब जाकर के आप जो है इस बीमारी, ये इस विचार के ऊपर आप हावी हो पाएंगे। ठीक, उसके बाद जो है कि पहले पहले समझ लेना है कि ये जो विचार आते हैं ना, विचार जो बार बार आते रहते हैं, विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये विचार जो है ना एक तरह का पैटर्न बन करके आता है, ये जो है एक जिसके कारण से क्या होता है कि ये हमें डर दिखाने लगता है। तो ये चीज समझना है कि जो अब यहाँ पर ये भी चीज समझना है कि जो विचार आ रहे हैं वो वैसा होता नहीं है, जो विचार माइंड में आ जाता है, जो एक विचार कनेक्ट कर लेता है जिसके कारण से जो है तरह तरह का विचार आपको दिखाने लगता है, वैसा होने वाला नहीं है,
सबसे पहले अपने जो है कि एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसा विचार होगा नहीं मेरे साथ। तब यहाँ पर जो एक रूल जो है आपको करना है कि बोलना है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब इससे फ्री होने के लिए, इससे फ्री होने के लिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है कल हमको भी नहीं पता है ना। क्या आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? आधा घंटा एक घंटा पहले क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। तो क्या करना है कि ना बिंग प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है कि मतलब कल क्या होगा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे भी सीखना है दोस्तों यहाँ पर, कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे देखना है कि जो कल मुझे वो ठाउर जो परेशान कर रहे थे, क्या कि उसी टाइम तो आपको और भी ठाउर परेशान करते हैं, क्या वो मेरे साथ हुआ? क्या मेरे साथ हुआ वो ठाउर जो हमें कल जो ठाउर परेशान कर रहे थे, क्या वो हुआ? दोस्तों देखेंगे कि 99% केस में जो है कि नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे केस में जो है कि आपको देखेंगे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सीखना होगा कि हमारे माइंड में अच्छा विचार आ जाए बुरा विचार आ जाए, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो एक प्रकार का विचार है जिसके कारण से क्या होगा। फिर ये लाइन याद रखना है कि जो होगा देखा जाएगा। तो इससे क्या आप कुछ दिन ये फॉलो करेंगे ना इस थॉट को कि जो होगा देखा जाएगा, तो आप अपने जो ये विचारों में जो फ्यूचर से रिलेटेड विचार डर दिखाता है माइंड, वो विचार से आप जो है ना बाहर निकलने लगेंगे और आपको जो है कि देखेंगे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अरे यार होता ही नहीं है, जो चीज़ माइंड दिखाता वो तो हो ही नहीं रहा है, हम ये चीज़ कर नहीं रहे थे जिसके कारण से जो है कि हमें डर घबराहट चिंता परेशानी कर रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा यही जो है कि बनाने का था मेन मकसद कि जितने भी ओसीडी सफरर है उसको डाउट अगर परेशान कर रहा है, कोई भी डाउट बहुत प्रकार का हो सकता है दोस्तों, किसी को जो है कि गॉड से रिलेटेड हो सकता है, किसी को हाथ धोने से रिलेटेड हो सकता है, किसी को चेकिंग से रिलेटेड है, चेकिंग नहीं किए फिर तो नुकसान हो जाएगा, चेकिंग नहीं किए तो हमारा जो है कि एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, चेकिंग नहीं किए मतलब बहुत प्रकार का जो है कि मतलब डाउट आ सकता है। तो इससे जो है कि यही निजात है कि ठीक है देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, ये बोलना है। और जो है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से बेस से सीख लेना है, ये जो अपने माइंड के अंदर जो कहानियां बनाए हुए हैं वो कहानियां को चेंज करना है, अपने नज़र को चेंज करना है, देखेंगे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। बस जो है ना जो वो दिखा रहा है उसको नहीं मानना है, बोले ठीक है जो होगा देखा जाएगा, उससे लड़ना भी नहीं है, उससे लड़ेंगे तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा ठाउट, कि जब उनके बारे में जो वो दिखाएगा उसी को सच मानने लगेंगे तो वो हावी हो जाएगा और आप परेशान रहने लगेंगे। आपको परेशानी से रहने मतलब चिंता को हटाने के लिए बस सिंपल करना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है पहले भी आया हुआ था लेकिन हुआ नहीं, अभी क्या अभी भी आ जाएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, तो यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाएगी दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। अगर आप हमको चाहते हैं बातचीत करना तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।